हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टी टेस्ट। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बड़ा क्वेश्चन आता रहता है, व्हाट इज टी टेस्ट एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। टी टेस्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल इंट्रोड्यूस्ड इन 1908 में विलियम एस गोसेट ने इसको डिस्कवर किया था, और इसका नाम अपने पेन के नाम स्टूडेंट आल्सो कॉल्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट के ऊपर रखा है। ये जो टी टेस्ट है, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल सैंपल्स एन लेस देन 30। जहां पे सैंपल्स एन 30 से छोटा होएगा वहां पे हम टी टेस्ट लगाते हैं, जहां पे स्मॉल सैंपल्स लेने होते हैं। ठीक है जी। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द टू सेट्स ऑफ डाटा डिफर सिग्निफिकेंटली एंड जनरली Employed when the sample size is small। वही बात द्वारा लिखी गई है, अगर दो सैंपल आपके पास हैं तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसको स्टडी करने के लिए काम आता है, और दोनों सैंपल आपके छोटे साइज के होने चाहिए। जब भी आपने टी टेस्ट लगाना है तो कौन सी assumptions होती हैं। पहली assumption, पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन ऑलवेज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट एंड रैंडम, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। थर्ड है, ये थर्ड पॉइंट है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज अननोन, यानी कि सिग्मा आपको अननोन होना चाहिए, पता ना हो उसके बारे में। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है टी टेस्ट की। टी टेस्ट हैज अ वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टैटिक्स। पहले एप्लीकेशन है टू टेस्ट, इट इज यूज टू टेस्ट इफ द सैंपल मीन एक्स बार डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन, यानी कि पूरे पॉपुलेशन का मीन और जो उस सैंपल का मीन, उन दोनों में डिफरेंस को चेक करने के काम आता है। सेकेंड, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, यानी कि दो सैंपल्स के मीन्स में कितना डिफरेंस है। तीसरा, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट ऑफ ऑब्जर्व्ड सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में भी ये जानकारी देता है। और फोर्थ पॉइंट है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में भी ये हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करके देता है। तो ये इसकी टी टेस्ट की एप्लीकेशन है स्टैटिक्स में। अब जो मेरा आज की वीडियो का मेन मोटिव है कि इसकी बायोलॉजी में कैसे एप्लीकेशन हो सकती है, तो मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा बायोलॉजी के रिलेटेड। पहले समझते हैं कि कैसे करना है। टी टेस्ट इज वेरी यूजफुल टूल इन स्टैटिक्स टू गेट द सिग्निफिकेंस, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस और मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन। हमारे पास दो सैंपल है, दोनों स्मॉल सैंपल्स हैं, उनका जो पॉपुलेशन का मीन है उनके डिफरेंस के बारे में हमने स्टडी करना है। तो कैसे करेंगे, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स वी सेट द हाइपोथेसिस। हम कैसे हाइपोथेसिस मानेंगे। एच नोट का मतलब है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में यह माना जाएगा कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स, यानी कि जो दो अलग अलग पॉपुलेशन है उनके मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं, वो दोनों मीन बराबर है। न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू, ये मीन पहले पॉपुलेशन का है, ये मीन सेकेंड पॉपुलेशन का है। इसी तरह एच वन उसका उल्टा होता है हमेशा, नल हाइपोथेसिस का। एच वन इज अ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसमें क्या होगा, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे। जब मुझे इस तरह की प्रॉब्लम को डील करना है तो मैं टी टेस्ट कैसे लगाऊंगा। टी स्टैटिक्स का फार्मूला आएगा एक्स बार माइनस वाई बार मीन का डिफरेंस माइनस डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, न्यू वन माइनस न्यू टू डिवाइड बाय एस का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू। ठीक है, अब यहां से आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी क्वेश्चन करते समय। अगर ये वैल्यू इसका मोड ले लेना, नेगेटिव नहीं लेना कभी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से कम आती है, एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद एन वन प्लस एन टू माइनस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी कि जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो टेबल वैल्यू से कम होनी चाहिए एट डिग्री ऑफ फ्रीडम एन वन प्लस एन टू माइनस टू पे, तो हम बोलेंगे कि एच नॉट मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, यानी कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स लिए हैं हमने स्टडी के लिए, यूज टू जो यूज करते हैं कंट्रोल हाई प्रेशर को, मतलब कि हाई बीपी प्रॉब्लम वाले लोगों को टू ड्रग्स के ऊपर उन्होंने देखा। सिक्स और एट पेशेंट्स पे काम किया गया। ठीक है,
जो उनके ब्लड प्रेशर को लो करता है, अपर वाले को। ड्रग ए को जब वो किया गया तो 12, 18, 30, 5, 7, 4 इस तरह उनके डिक्रीज होता है बीपी, और ड्रग बी से 15, 16, 12, 10, 19, 25, 17 डिक्रीज होता है। अब मेरा ये एम है कि चेक करना है इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग ए और ड्रग बी में क्या कोई डिफरेंस है, क्या दोनों का सेम ही इंपैक्ट है, ये हमने डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी सिखाया गया है तो हम क्या करेंगे, एक नल हाइपोथेसिस मानेंगे। एच नोट, एच नोट का मतलब है देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स, यानी कि दोनों ड्रग्स का सेम इंपैक्ट है, न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू। एच वन विषय इसका उल्टा होता है, ये दोनों बराबर नहीं है, देर इज अ डिफरेंस, इसका मतलब होगा कि देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स। तो अभी मैंने आपको टी स्टेटिस का फार्मूला लगाया था, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्स बार वाई बार एस स्क्वायर निकालना है। अब जो आपके पास एक्स की एंट्री सही है वाली, इसको लिख लो, ठीक है, एक्स की एंट्रीज लिख ली। सबसे पहले आपने इनका टोटल करके एन से डिवाइड कर लेना और इसका मीन निकालना है, एक्स का मीन कैसे निकालते हैं, एक्स का सभी एंट्रीज को प्लस कर लिया, 12, 18, 30, 15, 7, 96 आ गया। ये कितनी एंट्रीज हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 6 से डिवाइड करो, 16 मीन आ गया, ठीक है। इसी तरह वाई वाली एंट्रीज का मीन निकाल लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका प्लस क्या, 144, 144 को जब 8 से डिवाइड करोगे एन टू हो जाएगा उसका, वो 18 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो एक्स की एंट्रीज हैं उनमें से मीन माइनस कर दो, एक्स वाला, एक्स का मीन 16 आया, तो 12 माइनस 16 माइनस 4, 18 माइनस 16 2, 30 माइनस 16 14, तो ये एंट्रीज आ गई, इन सभी एंट्रीज का स्केयर कर दो, माइनस 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4, 14 का स्केयर 196, माइनस 1 का स्केयर 1, माइनस 9 का स्केयर 81, माइनस 2 का स्केयर 4, इसका प्लस कर लो टोटल। जैसे आपने x वाली एंट्रीज में से मीन निकाला, इसी तरह जो y वाली एंट्रीज है वाई जे में से y वाला मीन माइनस कर दो, y का मीन कितना है 18, तो 15 माइनस 18 माइनस 3, 16 माइनस 18 माइनस 2, 12 माइनस 18, इस तरह सभी एंट्रीज में से 18 को माइनस करके ये आपके पास डिफरेंस आ गया। इनका सभी का स्केयर कर लो, ठीक है, माइनस 3 का स्केयर 9, माइनस 2 का स्केयर 4, माइनस 6 का स्केयर 36, ये स्केयर करके इसको प्लस कर लिया। अब आपने इसको प्लस कर लिया, इसको प्लस कर लिया, एक्स बार वाई बार आपके पास है, तो एस स्केयर का ये फार्मूला है, 1 ओवर एन वन प्लस एन टू माइनस टू ब्रैकेट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर समेशन वाई जे माइनस वाई बार का स्केयर। अब ये आपका उसका स्केयर का एक्स आई का सम था, ये वाई जे वाले का सम है, 302 272, यहां पे यूज कर लो, एन वन 6 है, 6 प्लस 8 14 माइनस 2 12 आ गया, ये सॉल्व करके इतना आ गया एस स्केयर। तो अब आपने टी स्टेटिक्स निकालनी है, अभी मैंने आपको फार्मूला पर याद करवाया ना, तो वो फार्मूला आप याद कर लो, फार्मूला एक्स बार माइनस वाई बार माइनस था न्यू वन माइनस न्यू टू, क्योंकि न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू है, वो कट के जीरो हो गया आपका, तो फार्मूला इतना सा रह गया आपका, एक्स बार माइनस वाई बार एस अंडर रूट वन ओवर एन वन प्लस एन टू, एक्स बार की वैल्यू आपके पास है, वाई बार की वैल्यू आपके पास है, एस की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे सारी वैल्यूज आपने पुट करके, यहां पे इसका मतलब एस स्केयर है आपका, ठीक है, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करके इतनी वैल्यू आ गई, नेगेटिव को आपने इग्नोर कर देना, मॉड ले लेना पॉजिटिव वैल्यू। अब आपने क्या करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम थी एन वन प्लस एन टू माइनस टू, 6 प्लस 8 माइनस 2 12, इस 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम में टी टेस्ट के टेबल में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसकी वैल्यू चेक करो टी टेबल में से, तो वो 2.18 है, तो ये वैल्यू मेरी 0.023 थी, तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम आ रही है, इसका मतलब है एच नॉट एक्सेप्टेड हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया, दैट इज देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब दोनों ड्रग्स इक्वली, जो इनका इफेक्ट है इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में टी टेस्ट क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसका फार्मूला क्या है, एक एग्जांपल हमने डिस्कस की है जो हमारी मेडिकल में यूज होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।